16 अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने की कगार पर था। जापान हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। उधर जर्मनी में हिटलर ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जर्मनी तथा जापान बुरी तरह से इस वार को हार चुके थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 से ही मदद ले रहे थे जापान से। इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करते वक्त अब वो नए तलाश में थे, नए तरीकों की तलाश में थे, कैसे आजादी की लड़ाई को बरकरार रखा जाए, जिंदा रखा जाए। हालांकि ये प्लान लिखित रूप से स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनके बाकी साथी जानते थे नेताजी अब सोवियत यूनानियन में शिफ्ट होना चाहते हैं। उनका प्लान था कि पहले वो टोक्यो जाकर टोक्यो की सरकार को धन्यवाद बोले, वहां से सोवियत यूनानियन जाया जाए। इसके पीछे कारण बहुत सिंपल था, सोवियत यूनानियन एलाइड फोर्सेस का हिस्सा थी, वो देश जिसने इस वार को जीता। मगर इसके बावजूद सोवियत यूएसए यूके जैसे एलाइड देशों से लॉजिकल बाकी देशों से अलग थी। अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यू बिलीव था कि ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने में इंडिया की मदद करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी जापान युद्ध हारा था, हिरोशिमा तथा नागासाकी पर एक बड़ा बम धमाका सुनने को मिला था, इसलिए नेताजी को टोक्यो ले जाने के लिए कोई ऑप्शन की भरमार नहीं थी। फिर भी जापानी फोर्सेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक रास्ता ढूंढ निकालती है, जो ऐसा था वो एक मित्सुबिशी KI-21 बम्बीर हवाई जहाज में बैठेंगे जो वियतनाम के साइगोन से उड़ान भरेगी। ये हवाई जहाज एक स्टॉप करेगा ताइवान के हाइतो में, फिर वहाँ से ताइहोकू जाएगा, फिर आखिर स्टॉप करेगा चाइना के मंचूरिया की टेरिटरी में और फाइनली टोक्यो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचने। इन दिनों मंचूरिया जापान का एक पड़ोसी देश हुआ करता था मंचूरो नाम से, लेकिन बात ये थी कि 9 अगस्त से सोवियत यूनियन इस जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न सोवियत यूनियन से पहला कॉन्टेक्ट इस मंचूको में ही किया जाए। इसी आइडिया को फॉलो करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 17 अगस्त को बैंकॉक से निकल अपने ग्रुप के साथ करीब 10 बजे साइगात वियतनाम में पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बताया जाता है कि इस प्लेन में सिर्फ 2 लोग को बैठने के लिए जगह ही है, तो नेताजी अपने सभी नेशनल इंडियन आर्मी के साथ नहीं जा सकते, नेताजी को किसी एक को चुनना पड़ेगा। और नेताजी अपने बचपन के दोस्त हबीबुर रहमान को अपने साथ जर्नी के लिए चुनते हैं। 5 बजे ये प्लेन ताइवान से टेकअप करती है और करीब 13 से 14 लोग इस प्लेन में यात्रा करते हैं। नेताजी और कर्नल हबीबुर रहमान के अलावा सभी लोग उसमें जापानी आर्मी के। हालांकि रात जल्दी होने वाली थी, इसलिए प्लेन एक स्टॉप करता है टूरा। सभी यात्री रात को होटल में ठहरते हैं और एक क्लू काम करता है प्लेन को हल्का करने में। बहुत से हथियार मशीन गन प्लेन से उतारे गए ताकि प्लेन को हल्का किया जाए, यात्रा करने में कठिनाई न हो। अगली सुबह यानी 18 अगस्त को प्लेन सुबह के 5 बजे उड़ान भरता है। अब क्योंकि प्लेन हल्का हो चुका था, पायलट अपना अगला स्टॉप हाइतो को स्किप कर देता है। अगला स्टॉप था ताइपाई का शहर, जहां पर प्लेन को दोपहर के 12 बजे उतारा जाता है। 2 घंटे के ब्रेक में सभी यात्री लंच करते हैं और प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है। और टेस्टिंग के दौरान पायलट तथा इंजीनियर को एक समय पर दिखा प्लेन की लेफ्ट इंजन में कुछ गड़बड़ी है, और इंजीनियर तथा पायलट उस पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगा कि अभी नया इंजन ही है। 18 अगस्त को दोपहर के 2 बजे प्लेन उड़ान भरता है। उड़ने के कुछ ही मिनट बाद एक बड़ा सा धमाका सभी के कानों को चीड़ता हुआ प्रतीत होता है, मानो जैसे प्लेन का इंजन फट गया तथा प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगता है, कुछ ही समय पर क्रैश हो जाता है। प्लेन के पेट्रोल टैंक के बगल में बैठे थे सुभाष चंद्र बोस जी और उनके पीछे थे उनके दोस्त हबीबुर रहमान। प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे थे, इसलिए उन दोनों की तत्काल मृत्यु नहीं हुई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को चोट लग गई थी और वो जल भी गए थे। 15 मिनट के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को एक नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, नेताजी नहीं बचते और उनकी एक आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस प्लेन की दर्दनाक घटना आज भी कुछ लोगों को एक कहानी प्रतीत होती है। उस प्लेन घटना में हमने अपना एक धरोहर खो बैठा सुभाष चंद्र बोस।